हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं करने वाली हूँ शॉपिंग, क्योंकि कल है बर्थडे, वो भी मेरी सिस्टर का। उसके 2 लेग्स नहीं, 4 लेग्स है। वो मेरी बड़ी सिस्टर रेनी है और कल उसका बर्थडे है, तो हम घर सजाएंगे उसके बर्थडे के लिए और कुछ गिफ्ट्स भी खरीदेंगे उसके लिए। तो मैं आज एक व्लॉग कर रही हूँ और आप सबको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या खरीदने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं अभी खड़ी हूँ कोरोना के सामने, ये जो EM बाईपास में है, मैं उसके सामने ही खड़ी हूँ। और अभी मैं अंदर जाके चीज़ें खरीदूँगी, अंदर शूट करना अलाउ नहीं है, तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगी, पर मैं घर जाके आप सबको दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या खरीदा है। और अंदर बहुत भीड़ भी है, इसलिए हम शूट नहीं कर सकते हैं। तो मैंने अभी चीज़ें खरीद लिया है कोरोना से, और तो मैं घर जाके आप सबको दिखाने वाली हूँ क्योंकि मैंने क्या क्या खरीदा है, क्योंकि अभी मैं नहीं दिखा पाऊँगी। व्यूअर्स, मैं अभी आ चुकी हूँ तेगोरिया में। ये तेगोरिया मेन रोड के अंदर ही है और अभी मैं एक दुकान के सामने खड़ी हूँ जहाँ से हम बर्थडे डेकोर की चीज़ें खरीदेंगे रेनी के बर्थडे के लिए। और यहाँ मैं गूगल से देख के आई हूँ। आपको अगर लोकेशन जानना हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप कभी भी आ सकते हो इधर। इधर बहुत से कलेक्शंस है, और तो चलिए अभी हम एक्सप्लोर करेंगे ये दुकान। चलिए अभी मैं दुकान के अंदर दिखाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। सो देखते हैं। मैं अभी दुकान के अंदर ही खड़ी हूँ। इधर सारे चीज़ें हैं बर्थडे डेकोर के रिलेटेड, और ये लोग मैनेजमेंट भी करते हैं, मतलब प्लानर भी है। आप अगर चाहते हो तो इन्हें बुक भी कर सकते हो अपने किसी वेडिंग, बर्थडे, बेबी शावर वगैरह वगैरह के लिए। तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चीज़ें खरीद लिया है इधर से, मैं घर जाकर आप सबको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या खरीदा है। और इसके बाद अभी हम जाएंगे CC2, उधर का एनिमल प्लैनेट है, उधर से हम और एक चीज़ खरीदेंगे। तो मैं आप लोगों से वहीं पर मिलूंगी। तो व्यूअर्स, मैं अभी हूँ CC2 में, एनिमल प्लैनेट के सामने। अभी बहुत तेज़ बारिश होगा और बहुत तेज़ हवा भी चल रही है, इसलिए मैं वीडियो नहीं कर पाई मैं जब आ रही थी, पर मैंने खरीद लिया जो मुझे ख़रीदना था एनिमल प्लैनेट से। तो मैं अभी घर जा रही हूँ और वहाँ जाके मैं आप सबसे मिलूँगी। जैसे मैंने आप सबको कहा था कि मैं घर जाकर आप सबको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या खरीदा है, तो सबसे पहले मैं दिखाने वाली हूँ मैंने कोरोना से क्या खरीदा है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको ये दिखाना चाहती हूँ, ये है पिज्जा, वो भी डॉग्स के लिए, मतलब हमारे लिए नहीं, डॉग्स के लिए है। और मैंने आज तक कहीं पर भी नहीं देखा है ऐसा पिज्जा, मतलब हाँ कुछ लोग बनाते हैं घर पर, मतलब डॉग्स के लिए पिज्जा, पर ये एक कंपनी का है, वो भी रेना पिज्ज़ा फॉर योर डॉग्स। ये वेज है वैसे भी, ये नॉन वेज नहीं है। मैं उधर नॉन वेज ढूंढ रही थी पर उधर है नहीं, ये वेज है। और इसका प्राइस है 4.95। और अभी मैं इसे नहीं खोलूँगी, हम कल ही इसे सीधा खोलेंगे पार्टी जब हो रहा होगा उसका बर्थडे का। तो अभी मैं इसे साइड में रखती हूँ और बाकी चीज़ें दिखाती हूँ। और ये है डिवॉर्मिंग टैबलेट्स ट्रॉन्डल प्लस का, ये भी मैंने ख़रीदा है उधर से। और मैंने ये भी खरीदा है एक, प्लेक स्प्रे है, ये माउथ में इसे देते हैं, स्प्रे करते हैं जिससे कोई जर्म्स वगैरह ना रहे उन लोगों के मुंह पर, मतलब मुंह के अंदर।
और मैंने ये खरीदा है पेडिग्री रोडियो। ये शायद नया निकला होगा, मैंने इससे पहले नहीं देखा है। ये इंटू सेवन है विथ चिकन, मतलब इसका एक और भी था विथ बेकन भी था, तो मैंने ये चिकन खरीदा क्योंकि आज तक हम लोगों ने उनको बेकन नहीं दिया, तो मुझे नहीं पता वो लोग बेकन खाएंगे या नहीं, तो इसलिए मैं चिकन ही लेके आई हूँ। और हमने लिया है सॉसेज उन लोगों के लिए, ये ड्रूल्स का सॉसेज है। और ये है एक टॉय, वो लोग अभी नीचे ही है। ये देखिए, ये रेनी नहीं, ये मिशू है, मिशू है ये, वो देख रही है, वो सब कुछ देख रही है मैं क्या क्या कर रही हूँ। उसको टॉय से भी खेलना है। और अभी ये है रेनी, ये है बर्थडे गर्ल, मतलब कल के लिए यही बर्थडे गर्ल होगी। ये रेनी है, उसका बर्थडे है कल, पर उसके कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है, उसका मुंह ऐसा ही रहता है हमेशा। सो वो देख रही है, वो उसका टॉय है इसलिए वो मतलब उसको चाहिए यही वाला टॉय, पर मैं अभी नहीं दे दूंगी, मैं कल ही उसे दूंगी क्योंकि वो टॉय सिर्फ कल के लिए है, फिर मैं उसे पैक करके रख दूंगी। नहीं तो क्या होता है, वो लोग मतलब चिबा चिबा कर मतलब इधर उधर फेंक देते हैं, फिर हमें डस्टबिन में ही फेंकना पड़ता है। और ये रहा एक पेट स्कर्व, कल जो वो ड्रेस पहनेगी उसके साथ हम ये स्कार्फ भी उसे पहनाएंगे, वो ऐसे करके कुछ लगाना पड़ता है, कल ही आप देखिएगा प्लीज़। ये एक अलग व्लॉग होगा, कल का जो उसका बर्थडे होगा आप लोग उसे ज़रूर देखना। और हम लोगों ने और ये भी खरीदा है स्पिनच, ये जरहाई का है, ये ट्रीट के हिसाब से आप उन लोगों को दे सकते हो। इसका और एक फ्लेवर भी मैंने खरीदा है, कैरेट स्टिक्स, ये भी हमने खरीदा है कैरेट स्टिक्स, वो भी जरहाई का ही है, सेम कंपनी। हम जरहाई का उन लोगों को खिलाते हैं क्योंकि हम ये ब्रांड अच्छा है और उन लोगों को पसंद भी है इसका जरहाई का। ये कैरेट स्टिक्स है और एक जड़ाई का है, ये चिकन विथ स्पिनच है, मतलब रियल चिकन विथ स्पिनच, ये भी अच्छा ही होता है, वो लोग खाते हैं, बहुत पसंद करते हैं। और पेडिग्री का ये टेस्टी बाइट्स भी हम लोगों ने खरीदा है, च्यूवी क्यूब्स, ये भी ट्रीट्स के हिसाब से आप लोग दे सकते हैं। और एक शैम्पू खरीदा है हम लोगों ने और वो है ट्रॉपी क्लीन का, ये है फ्ली एंड टिक के लिए, मतलब अभी तो समर सीजन चल रहा है तो उन लोगों का टिक बहुत बढ़ सकता है, इसलिए हम उसे प्रिवेंट करने के लिए ये शैम्पू यूज़ करेंगे जिससे उन लोगों को टिक नहीं होगा। तो ये ख़रीदा कल रेनी से नहाने भी वाली है, बर्थडे गर्ल है ना। तो मैंने यही चीज़ें खरीदा है कोरोना से। और जो मैंने बर्थडे के डेकोरेशन की चीज़ें खरीदा है वो जब मैं डेकोरेट करने वाली हूँ पूरा घर तभी आप लोग देख लीजिएगा कि मैंने क्या क्या खरीदा है, उसका भी एक अलग से ब्लॉग आएगा, वो आप लोग ज़रूर देखना। और अभी मैं दिखाने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या खरीदा है, एनिमल प्लैनेट से ज़्यादा कुछ नहीं, बस तीन चार चीज़ें, सो चलिए मैं दिखाती हूँ। तो ये है एनिमल का फर्स्ट चीज़, ये है उसका ड्रेस जो कल वो पहनने वाली है बर्थडे में, ये एक बहुत ही क्यूट सा है, उन लोगों को नहीं पसंद है ऐसे ड्रेसेस पहनना पर मैं फिर भी मतलब थोड़ा सा क्यूट लगता है ना पहनने में। सो ये देखिए, ये उसके लिए ड्रेस है, काफी क्यूट है और ऊपर में ऐसा नेट का वर्क किया गया है, गाउन टाइप का है, बहुत ही क्यूट है, कल वो बहुत ही क्यूट दिखने वाली है, वैसे है ही वो क्यूट, और भी क्यूट दिखने वाली है। हम बंगाली में इसे घर में सुंदर मला कहते हैं क्योंकि वो अपने आप को खुद समझते भी है कि वो एक बहुत ही क्यूट डॉगी है, हमेशा जब भी अगर आप उसको मिरर के सामने रखोगे ना वो खुद को हमेशा देखती रहती है मिरर में, मतलब उसको पता है। और ये है एक डॉग लीटर, मुझे नहीं पता ये कैसा होगा क्योंकि हम लोग इसे फर्स्ट टाइम खरीदे हैं, इससे पहले हम लोगों ने ट्राई नहीं किया, पर मैंने उधर देखा और उन लोगों से पूछा कि ये कैसा होता है,
तो उन्होंने बोला अच्छा ही होता है, टेस्ट भी करेंगे कि ये कैसा काम करता है। ये लोग बोल रहे हैं कि ये 1 महीने तक चलेगा, मतलब एक ट्रे में हमें ये बिछाना पड़ेगा और फिर वो लोग खुद जाके अपना काम करेंगे। और उसके साथ हमने ये पूप स्कूपर भी खरीदा है, मतलब अगर पूप किया तो ऐसे करके उठा लेंगे। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मैं जल्दी मिलूंगी आप सबसे एक नए वीडियो में। और बर्थडे का डेकोरेशन ब्लॉग और सेलिब्रेशन ब्लॉग अलग अलग आएगा, सो स्टे ट्यून फॉर माई न्यू अपलोड। और अगर आप मेरे न्यू व्यूअर हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जब भी मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए। और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। मीनवाइल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टाटा।